गुरुकुल विद्या निकेतन स्कूल रामाकोना में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ है। आपको बता दें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देखने को मिला है। स्वर्गीय राम भाऊ जी खंडायित शिक्षण समिति के द्वारा संचालित गुरुकुल विद्या निकेतन स्कूल रामाकोना में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कोरोना काल के बाद भव्य स्वरूप में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। वार्षिकोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम के वरिष्ठ शिक्षक धनराज नारांजे, विशेष अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षक विट्ठल सेंडे, राधाबाई कामठे, बेनुबाई खंडायत के साथ काफी सारे लोगों की मौजूदगी रही। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नर्सरी से कक्षा 8 तक के समस्त छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति देकर सभी का मन मोहा। शौसर से आकाश खंडायत की देखें रिपोर्ट। आज से ठीक 16 वर्ष पहले सन 2007 में समिति के प्रबंधकारी समिति के जो सदस्य हैं और ढेर सारे पालकों के सहयोग से हमने गुरुकुल नाम का एक छोटा सा पौधा 16 वर्ष पहले लगाया था। आज ये पौधा पालकों के अथाह विश्वास और स्नेह से सिंचित होकर एक विशाल वृक्ष में बदल चुका है। इस आस्था और विश्वास के लिए मैं तहे दिल से सभी पालकों का धन्यवाद अदा करता हूँ। इस एनुअल डे फंक्शन का मुख्य उद्देश्य है शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ बच्चों के अंदर कुछ और खास तरह की प्रतिभाएं छुपी होती है। भविष्य में कोई सिंगर बनेगा, कोई डांसर बनेगा, कोई चित्रकला में प्रवीण होगा, तो तरह तरह की प्रतिभाओं को मंच देने का काम यह विद्यालय गैदरिंग के माध्यम से करता है। हमने पिछले 10-12 दिनों में कई तरह की एक्टिविटी बच्चों में प्रतिभा को निखारने के लिए हमने संपन्न की। कई तरह के गेम्स हुए, बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं हुई जिसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सोमवार को प्रातः 10 बजे से रखा गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस मंच से मैं अभी आप सभी पालकों के समक्ष शेयर करना चाहूंगा। आने वाले सत्र से गुरुकुल विद्या निकेतन कक्षा 9वीं-10वीं की मान्यता के साथ हाई स्कूल की शुरुआत करने जा रहा है। गुरुकुल विद्या निकेतन को कक्षा 9वीं-10वीं हिंदी मीडियम साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम की मान्यता मिल चुकी है। कई पालकों की अपेक्षा थी, आग्रह था बीते वर्षों से कि सर आप इसी विद्यालय में हाई स्कूल जरूर ओपन करें, तो आपकी ये अपेक्षा को पूर्ण कर लिया गया है। इस विद्यालय में बच्चों के सर्वांग धन्यवाद मंचासीन आज के कार्यक्रम के एवं गुरुकुल विद्या निकेतन एसएमसी समिति के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी गुरुवे, सरपंच श्वेता गोयल जी, उप सरपंच संतोष चौधरी जी, हमारे आदरणीय काका जी भावराव जी चौधरी, चिंतनराव गाढ़वे जी, डॉक्टर पांडे जी जनपद सदस्य, मेरे मित्र भाई रविंद्र चौधरी जी, इस संस्था के उपाध्यक्ष श्री अजय वानखड़े जी और आज के मेरे साथ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए विट्ठल शेंडे सर, मंचासीन सभी अतिथिगण, आज मैं गुरुकुल विद्या निकेतन परिवार को दो बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला धन्यवाद उसके लिए कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में मुझे चीफ गेस्ट बनाया, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही दूसरी बार धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा
कि आज गुरुकुल ने वो काम कर दिखाया कि गुरुकुल का पूरा परिवार एक मंच पर एक साथ उन्होंने जोड़कर यहाँ उपस्थित किया। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सराहनीय बात है कि ऐसे कार्यक्रमों में अपने परिवार को एक साथ जोड़कर एक मंच पे लाना, ये भी एक हिम्मत की बात होती है। इसके लिए मैं और इस गुरुकुल को यहाँ तक पहुँचाने में जो मेहनत की है हमारे खंडाई सर और पूरी टीम ने, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मंजिल मिल ही जाती है एक दिन, मंजिल मिल ही जाती है एक दिन। ये कोई मुकद्दर के खेल नहीं होते। अगर कोशिश ही ना करे इंसान तो कामयाबी से मेल नहीं होते, कामयाबी से मेल नहीं होते। मित्रों, आज की इस दौड़ धूप भरी जिंदगी में सभी लोग इतने व्यस्त हो गए कि किसी के पास वक्त ही नहीं बचा है और वह सारे लोग तनाव में जी रहे हैं। यह तनाव पालकों के बीच में भी है और वो पालकों का तनाव बच्चों तक पहुंच जाता है और उन बच्चों का तनाव कम करने के लिए ऐसे एनुअल फंक्शन करना बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं, जिससे कि बच्चों का दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। बच्चे साल भर पूरी मेहनत